हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑलवेज राइज आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, लो पढ़ेंगे बुक्स एंड ऑथर्स ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स पूछे जाते हैं कभी ये पूछा जाता है कि ये बुक किसने लिखी मीन्स उसका ऑथर कौन था या फिर आपसे ये पूछा जाता है ये कब लिखी गई ठीक है या फिर तो रिले और भी और इससे साथ साथ में ये होता है कि बुक्स अगर आपको पता है तो आप उनके कॉन्सेप्ट को भी रिलेट कर सकते हो कि अगर बुक्स में ही कभी कभी ऐसा होता है कि उनके वर्क में ही उनका कॉन्सेप्ट भी लिखा होता है तो इसलिए भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता होता है ठीक है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने के पहले आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है कि बैच कोर्सेज एमसीक्यू बैच कोर्सेज आपके स्टार्ट हो चुके हैं फॉर पेपर वन एंड हिस्ट्री एंड इलेक्ट्री एलिवेट कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं कॉमर्स एंड एम सी क्यू बैच फॉर पेपर वन एंड हिस्ट्री फॉर पोलिटिकल्ट्री बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं एंड एस्पायर बैचेस फॉर कंप्यूटर साइंस स्टार्ट हो चुके हैं फ्रॉम सेवेंथ जुलाई एंड एम सी क्यू बैचेस फॉर पेपर वन एंड संस्कृत तो आपके सेवेंथ जुलाई से ये सारे कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं आप इसको आप इसमें एनरोल हो सकते हैं और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कोड यूज करें साक्रीन एन टी ए ये कोड यूज करने पे आपको टेन परसेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और दूसरी बड़ी न्यूज ये है आपके लिए कि अगर आप सिक्स मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो टू मंथ का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा या फिर आप सिक्स मंथ का ट्वेल्व मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ट्वेल्व मंथ का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा दिस इज वैलिड फॉर बोथ प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कोड so, आपको यूज करना है साक्रीन एन टी ए ये कोड यूज करने पे आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा ही और फिर उसके बाद आपके लिए दूसरी न्यूज ये है कि जो प्राइस हाइक होने वाला था ड्यू टू तो हाई डिमांड आपके लिए प्राइस हाइक की न्यू डेट आ गई है दैट इज फिफ्टीन जुलाई जो पहले थर्टीथ जून तक था अभी वो फिफ्टीन जुलाई मतलब फिफ्टीन जुलाई के बाद आपके सारे जो भी प्राइसेस है वो हाइक हो जाएंगे वो बढ़ जाएंगे उससे पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लें और कोड बिल्कुल भी मत भूलें साकरिन एनटी है ये कोड यूज करें अगर आप फ्री स्पेशल क्लासेस भी देख रहे हैं तो भी आपको यही कोड यूज करना है चलिए हम स्टार्ट करते हैं बुक्स एंड बुक्स राइटर्स एंड ईयर तो ये आपके कुछ बुक्स हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी बुक्स जैसे कि लॉ ऑफ माइग्रेशन ये आप जैसे कि अगर ये बुक भी याद रख सकते हैं लॉ ऑफ माइग्रेशन किसने लिखी रैमनस्टीन ने तो कभी-कभी ये भी पूछा जाता है कि लॉ ऑफ माइग्रेशन किसने दिया तब भी आपको याद रखना है कि वो रैमनस्टीन का है फिर एंथ्रोपोजियोग्राफी ये रैडज़ल की है तो ये भी पूछा जाता है कि ये कांसेप्ट किसने दिया या ये वर्ड किसने कॉइन किया तो वो भी तो इस तरीके से आप कई चीजें याद रख सकते हैं इन्हीं स्लाइड्स से ठीक है फिर उसके बाद ऑन द स्कोप एंड मेथड्स ऑफ ज्योग्राफी बाय मैकएंडर साइकिल ऑफ इरोजन बाय डेविस मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ by बाई पेंग सिमेटिक जॉग्राफी बाई डेविस सारी चीजें आपके एग्जाम में आती हैं कभी वन वर्ड आती हैं कभी मैचिंग में आती हैं लेकिन आती हैं ठीक है चीके? फिर उसके बाद टैब्ल्यू डीला ज्योग्राफी डीला आपका विडाल डीला ब्लाश जोग्राफी ऑफ पाइवर्ट ऑफ हिस्ट्री मकाइंडर यह आपका कभी कभी पूछते हैं पाइवर्ट हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट किसने दिया था तो ये भी मकाइंडर से ही रिलेटेड है नेचुरल रीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको पता होगा कि नेचुरल रीजन का कॉन्सेप्ट कई बार पूछा जाता है दैट इज हर्बर्टसन पल्स ऑफ एशिया हंटिंगटन इंडस्ट्रियल लोकेशन वेबर हंटिंग फिर म्यूचुअल एड क्रॉपटोकिन सिटी इन एवोल्यूशन गेदीज सिटी इन एवल्यूशन गेदीज का था और गेडीज का एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत फेमस है जो अक्सर के पूछा जाता है एग्जाम में वो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे ठीक है अर्बन से ही रिलेटेड है नेक्स्ट रीजनल एनवायरमेंट हेरिडिटरी एंड कॉन्शियसनेस ये आपका हर्बर्टसन क्लाइमेट साइकिल्स एंड इवोल्यूशन बाय जीटी टेलर फिर उसके बाद प्रिंसिपल डी ज्योग्राफी ह्यूमन ये आपका विडाल डीला ब्लाश देखो ये आपके फ्रेंच ज्योग्राफर थे तो जनरली आपको ऐसे करके कौन अगर आपको बुक्स मिलती हैं या इस तरीके से स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं तो वो आप उससे आप रिलेट कर सकते हो कि ये फ्रेंच हो सकते हैं तो वो आपका विडाल हो सकता है जैसे कि यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे भी इस तरीके से लिखा हुआ था फिर उसके बाद जोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री ये थे फिर उसके बाद ज्योग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी बैरोज ह्यूमन इकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है बाय बैरोज देन मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप बाय कार्ल सावर तो यहीं पे आप लोग ये भी देखिए देखिए मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप सावर का है और नेचुरल रीजन किसका है हर्बर्टसन का नेक्स्ट ज्योग्राफी इट्स हिस्ट्री इट्स नेचर एंड इट्स मेथड बाय हेटनर सीक्वेंस ऑक्यूपेंट्स बाय विटल्सी देखो ये कौन ये भी आपका एक बार एग्जाम में आया है इसलिए याद रखना है देन रिटेल ग्रेविटेशन मॉडल बाय रीली सेंटर प्लेसेस इन सदर्न जर्मनी फोरस्टलर ज्योग्राफी इन रिलेशन टू द सोशल साइंसेज बाय बाउमैन फिर उसके बाद नेचर ऑफ ज्योग्राफी बाय हार्ट शोन बहुत फेमस बुक इसका नेचर ऑफ ज्योग्राफी और इसमें कॉन्सेप्ट क्या दिया था एरियल डिफरेंशिएशन इसको याद रखना आपको बहुत बार ये कॉन्सेप्ट पूछा गया है और ये बुक का नेम भी देन इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटीज स्टॉफर ये देखो ये भी अभी हमने करवाया था जब आपकी क्लास में सेटलमेंट जोग्राफी पे जो टेस्ट था उसमें ये क्वेश्चन भी था इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी किसने दिया था कॉन्सेप्ट तो वो था आपका स्टॉपर फिर थियरी ऑफ लोकेशन ऑफ फॉर सिटीज उलमिन की फिर फॉरवर्ड टू हिस्ट्री हिस्टोरिकल कालसावर नेचर ऑफ़ सिटी बाय हेरिस एंड क्या था यह आप बताइए जीके जिफ का क्या कॉन्सेप्ट था अर्बन जोग्राफी में फिर डायनेमिक बेसिस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी स्टालर एक्सेप्शनलिज्म स्टेफर ये भी पूछा जाता है कि एक्सेप्शनलिज्म कॉन्सेप्ट किसका था इट इज बाय एक्सेप्शनलिज्म इट इज बाय स्टेफर और इसके बाद uh, एक और है जिन्होंने एक्सेप्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था वो आप हमको बताइएगा इनोवेशन ऑफ डिफ्यूजन एज ए स्पेशल प्रोसेस अगस्ट देन इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन Losh method of regional analysis. Walter Isard. Me Megalopolis by Gottman. City in History by Mumford. Theoretical Geography by Bunge, uh, Problems of Geography by Kirk. Uh, it is related to human geography. Decision process in spatial context by J Julian Walpert. Locational analysis in human geography by Peter Haggett.

एक्सप्लेनेशन इन जॉग्रफी हाउवे जोग्राफिकल ज्योग्रफी देन ज्योग्राफी अ मॉडर्न सिंथिस बाय पीटर हैगेट सोशल जस्टिस एंड सिटी बाय हाउवेन स्पेस एंड प्लेस इन ह्यूमनिस्टिक जॉग्रफी बाय टूआन ये टुआन ने ही आपका ह्यूमनिस्टिक एक स्कूल ऑफ जोग्राफी को स्टार्ट किया था फिर कोरियोग्राफी ऑफ एग्जिस्टेंस बाय फ्रेड ह्यूमन जोग्राफी अ वेलफेयर अप्रोच बाय डीएम स्मिथ अर्बन क्वेश्चन बाय कैसल ह्यूमनिस्टिक जोग्राफी बाय एल एन एम सैन्यूल ले एम ले एंड सैम्यूल एनवायरनमेंट एज हजार्ड बाय बर्टन केट्स एंड वाइट Ideology, Science and Human Geography by Gregory. Paradigm and Evolution

then aerial differentiation and postmodern human geography by gregory production of a space by le geography as a science of observation by rose geography and human spirit by Bertimer, by uh, eco socialism by pepper geography and feminism by rose geographical imagination by gregory and technopolis of world by hall and castle and gender works and space by hansen and pratt देखो इसमें कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जो बुक्स एंड ऑथर्स एंड देयर कॉन्सेप्ट उसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है और अच्छे से याद करना है कुछ आपको नोट्स बना के रखने होंगे अपने पास आप uh, वो अपने कुछ ऐसे बोर्ड टाइप बना लीजिए जहाँ पे आप इनको लिख करके लगा दीजिए बार बार याद कीजिए तभी याद होगा सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टूडे थैंक यू सो मच बाय तो टेक केयर लाइक जरूर करें शेयर करें कमेंट करें थैंक यू